देखो आपने नंबर्स को नंबर नंबर्स में राइट करना, नंबर नंबर्स में राइट करने के लिए कुछ मैं आपको फैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, नाइन इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे अभी सिक्स क्लास के लिए, सेवन्थ क्लास के लिए एंड जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे आगे जाके, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी नाइन के नाइन्स। अगर आज आपने नाइन्स इफेक्ट फैक्ट को क्लियर कर लिया तो आप आगे आने वाले फ्यूचर में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम रोमन नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट है कि अपने रोमन नंबर को राइट करने के लिए कितने सिंबल यूज करते हैं, सेवन। देयर आर ओनली सेवन बेसिक रोमन सिंबल दैट आर यूज्ड फॉर न्यूमरल एंड दे आर सेवन नंबर सिंबल अपने यूज करते हैं रोमन नंबर को राइट करने के लिए। वो कौन सा है, अगर अपने इंग्लिश में बात करें, आई वी एक्स एल सी डी एन। आपने इनका क्रम में ही सही इनको लर्न करना है, आई वी एक्स एल सी डी एम। अब इनका मैं मीनिंग बता देता हूं, आई का मीन्स होता है वन, वी का मीन्स होता है फाइव, एक्स का मीन होता है टेन, एल का मीन्स हो जाएगा फिफ्टी, सी का हंड्रेड, डी का 500 एंड एम का 1000। 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। ओनली सेवन सिंपल से होते हैं जो अपने रोमन नंबर को, चाहे कितना ही बड़ा रोमन नंबर क्यों ना हो, उसको राइट करने के लिए अपने सिर्फ सेवन सिंबल ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई अदर सिंबल आपके पास नहीं आएगा। क्लियर? तो आपको सिंबल का क्रम सही जो इनका ऑर्डर है इसी ऑर्डर में आपको इसको लर्न करना है, कौन सा, आई वी एक्स एल सी डी एम। क्लियर? आई का मीन्स होता है वन, वी का मीन्स होता है फाइव, फिर आ गया एक्स, एक्स का मीन्स टेन, एल का मीन्स फिफ्टी, एल के बाद आ गया सी, सी का मीन्स हंड्रेड, सी के बाद डी, डी का मीन्स 500 एंड लास्ट में एम, एम का मीन्स 1000। क्लियर? सेकंड, रोमन नंबर सिस्टम हैज नो सिंबल फॉर जीरो। जीरो के लिए रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी सिंबल नहीं होता, जीरो को अपने जीरो ही राइट करेंगे, ना कि कोई इसका सिंबल यूज करेंगे। क्लियर? जीरो के लिए रोमन नंबर में कोई सिंबल नहीं होगा। थर्ड, इन रोमन नंबर सिस्टम इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, कोई भी सिंबल अगर रिपीटेड हो रहा है, इट्स वैल्यू इज एडेड बट नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम। मान लो कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू ऐड होती जाएगी, मान लो एक्स 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 रिपीट हो रहा है ना, एक्स क्या बोलती है 10 और 10 20, 20 और 10 30, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। कोई भी सिंबल अगर रिपीटेड हो रहा है तो उसकी वैल्यू उतनी ही ऐड होती जाएगी, जो भी सिंबल रिपीट होगा उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग वो ऐड होते जाएंगे। मान लो एम रिपीट हो रहा है, एम टू टाइम रिपीट हो गया, तो एम की वैल्यू क्या है 1000, इसकी वैल्यू क्या होगी 1000, 1000 और 1000 कितने हो गए 2000। क्लियर? मीन्स उसकी वैल्यू क्या होती जा रहेगी, ऐड होती रहेगी। रोमन सिस्टम के लिए कोई सिंबल नहीं होता। थर्ड आपने किया है कि अगर कोई सिंबल क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। जैसे मान लो डी ऐड एम ऐड हो रहा है, एम की वैल्यू क्या होती है 1000, इस एम की वैल्यू क्या होगी 1000, 1000 और 1000 कितने हो गए 2000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000। क्लियर? लेकिन इट्स वैल्यू इज एडेड बट नॉट सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स। लेकिन कोई भी सिंबल हो थ्री टाइम्स से मोर देन ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, मीन्स थ्री टाइम तक ही रिपीट कर सकते हैं, फोर टाइम तक किसी सिंबल को अपने रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर? एंड सिंबल बी एल डी कैन नेवर रिपीटेड, मीन्स 5, 50 एंड 500 सारे किसमें आ रहे हैं, फाइव के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, 5, 50 एंड 500, इनके सिंबल क्या हो गए बी एल एंड डी, कैन बी नेवर रिपीटेड, जे कभी भी रिपीट नहीं होते। आपने ऐसे नहीं अभी 10 को आपने 5 और 5 टू टाइम लिख दिया 10 बन जाएगा,
जब 15 को लिखना है तो 5 5 5 3 टाइम लिख देंगे, मींस VLD 5 वाला, 50 वाला एंड 500 वाला, सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन द राइट ऑफ ए स्मॉलर ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू। समझो इसको, वो क्या है, सिंबल है, अब देखो जेन का कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, ये कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस इसमें क्या है, वो बोनस अगर किसी बड़े सिंबल के पास, बड़ा कौन सा ले लिया, मान लो आपने इसमें से ले लिया सी, सी बड़ा ले लिया, अब इसके राइट हैंड में क्या लिखते हैं, छोटा सिंबल लिखते हैं, मान लो आपने लिख दिया 10, क्योंकि C से L, X, V, I सारे क्या हो गए, छोटे हो गए, बड़े सिंबल का अगर लेफ्ट हैंड में एंड राइट हैंड में, अब इसके एक बार आपने लेफ्ट हैंड में लिखेंगे, एक बार राइट, राइट हैंड कौन सा होगा, इधर वाला, मान इधर भी आपने X लिख लिया, इधर भी आपने X, X की वैल्यू क्या होती है 10, C की वैल्यू क्या होती है 100, इसके X की वैल्यू 10, और फिफ्थ को एक साथ ही करवा रहा हूं मैं। अब देखो अगर राइट हैंड के अंदर वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सी की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 10, तो नंबर क्या बन जाएगा इन दोनों से 110। अगर बड़े सिंबल के स्मॉल सिंबल उसके लेफ्ट हैंड में राइट है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 100 में से कट गए 90, मींस एक्स सी लिखा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 90, अगर सी एक्स लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। अगर बड़े सिंबल के साथ राइट हैंड में स्मॉलर सिंबल है तो वैल्यू क्या होगी, ऐड, अगर लेफ्ट हैंड में अगर स्मॉलर सिंबल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर, अब चलते हैं आगे, सिक्स, सिंबल बी एल एंड डी कैन नेवर सबट्रैक्टेड, कभी भी बी एल एंड डी सबट्रैक्ट नहीं होंगे बड़े में से। अब ऐसे नहीं है कि आपने सी लिख दिया और इसके पीछे एम लिख देंगे, सी का मीन्स हो गया 100, एल का मीन्स हो गया 50, तो इसकी वैल्यू 50 रह जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, मीन्स बी एल डी ना तो कभी रिपीट होते हैं और ना ही कभी सबट्रैक्ट होंगे, मीन्स अगर इसके लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है तो कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होंगे और ना ही तीनों सिंबल वी एल एल डी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, सिंबल आई कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, अब आई का मीन्स क्या था, वन, ये सिर्फ टू सिंबल से ही सबट्रैक्ट होगा, कौन कौन से, वी एंड एक्स, मीन्स 5 and 10 में से, वन को सिर्फ हमने 5 and 10 में से सबट्रैक्ट राइट कर सकते हैं, नेगेटिव 50 में से, 100 में से, 500 में से, 1000 में से, किसी से भी अपने इसको सबट्रैक्ट नहीं करेंगे। आई को सिर्फ किससे सबट्रैक्ट करने हैं, बी एंड एक्स से। इसी तरह जो एक्स है वो कैन बी सबट्रैक्ट ओनली एल एंड सी, आई है वो बी एंड एक्स से सबट्रैक्ट होगा, जो एक्स है वो किससे हो जाएगा, लेफ्ट टू वाई एल एंड सी से, आई इन दोनों से सबट्रैक्ट होगा, एल एक्स है वो इन दोनों से होगा, एल एंड सी से, एंड सी किससे हो जाएगा, डी एंड एम से। देखो इनका ऑर्डर बन रहा है, जो फर्स्ट है वो सेकंड थर्ड से, जो थर्ड है वो फोर्थ एंड फिफ्थ से, जो फिफ्थ है वो सिक्स एंड सेवन से, ऑर्डर में चलना है। अगर आपको ऑर्डर है तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट जगह फर्स्ट किससे सब्जेक्ट होगा वो नहीं, सेकंड थर्ड से, मीन्स 5 5 एंड 10 से, और अब 10 किससे होगा, एल एंड सी मीन्स 50 एंड 100 से, और सी किससे सब्जेक्ट होगा, डी एंड एम मीन्स 500 एंड 1000 से। क्लियर, लास्ट है प्रॉपर्टी आपके पास, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू लाइज बिटवीन टू सिंबल ऑफ लार्ज वैल्यू, मीन्स अगर कोई सिंबल जो स्मॉलर वैल्यू है, मान लो 5 आ गई, इसके इधर भी ग्रेटर वैल्यू आ गई, इसके इधर भी ग्रेटर वैल्यू आ गई, मीन्स x का मीन्स 10, c का मीन्स 100, 10 5 100, अब टू स्मॉलर
ग्रेटर नंबर के बीच में क्या है, अभी एक स्मॉलर वैल्यू आ गई, तो सब्ट्रैक्ट किसमें से करना है आपको, नेक्स्ट वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, नेक्स्ट पीछे वाले में ऐड करेंगे। अब इसको ऐसे नहीं है 10 और 5 15 लिख देंगे प्लस 100, ऐसे नहीं होगा। इसका मीन्स क्या होगा, वैसे जो v होता है वो सी में से कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे इसको लिख लिया। सी में से आपको पता है v l d नए तो रिपीट होते हैं और नए सब्ट्रैक्ट होते हैं। मान लो यहां पे आपका आपके पास इधर c कर लो इधर x कर लो, x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा c में से। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, c का मींस 100, इन दोनों का मींस क्या हो जाएगा 90, मींस 10 किसके है लेफ्ट हैंड में, तो c में से 10, 100 में से 10 गए 90, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 190। वो लिखा है इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू लाइज बिटवीन टू सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू देन इट्स वैल्यू बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सिंबल इफ वी जनरली फॉलोइंग इट, मींस जो उसको फॉलो कर रहा है उसी में से अपन इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 9 फैक्ट थे आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक बार कर लो तो आपकी पूरी लाइफ के अंदर काम आने वाले हैं। बोलोगे भी अपने सिंबल तो अपने राइट करते नहीं है, मींस अपने डेली यूज में कहां पे आते हैं, इनको आते हैं क्या डेली यूज में, इनको आते हैं। आपने देखा होगा आपके जो घर पे वॉच लगी होती है या आपकी हैंड वॉच होती है उसमें क्या होते हैं सिंबल, किसमें होते हैं लगभग रोमन नंबर्स के अंदर ही राइट किए हुए होते हैं। तो वहां से आपको टाइम देखने के लिए इन सिंबल का जब तक आपको वैल्यू नहीं पता तब तक आप इनको सिंपलीफाई नहीं कर पाते। ऐसे अगर अदर और बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें इनको आप डायरेक्शन बतानी होती है तो इन्हीं सिंबल का अपने रोमन नंबर का यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज IF, राइट द फ्लोविंग रोमन नंबर्स। अब आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं उनको आपने किसमें नंबर राइट करना है, रोमन नंबर के अंदर। चलो इफेक्ट को मैं नहीं बताता, बीच से आपने को बताना पड़ेगा। फाइव प्लस 16 को अपने क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 6, इसके अपने फैक्टर कर लिए 16 के, क्या लिख दिया 10 प्लस 6, 10 के लिए सिंपल क्या हो गया x। अब 6 को क्या कर ले 5 प्लस 1, 5 का सिंपल क्या हो गया v और 1 का सिंपल क्या होता है i, j क्या बन जाएगा 16, 10, 5, 1, मींस आप उसको फैक्टर कर लो क्योंकि आपके पास सिंपल कितने हैं ओनली 7 ही है, 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000, ओनली 7 सिंबल है, इसी में अपने नंबर को क्या करना है डिवाइड करना है, इसके अकॉर्डिंग फिर अपने उस नंबर को राइट करेंगे। क्लियर, और कोई एग्जांपल लेते हैं 91, क्या लिख लूं मैं 90 प्लस 1 राइट कर सकता हूं क्योंकि और इसको अपने या तो क्या करेंगे 100 माइनस 9, तो इधर टाइप से अपने राइट कर सकते हैं या तो 90 प्लस 1 या फिर 100 माइनस 9, लेकिन 9 का अपने पास क्या होता है सिंपल नहीं होता, नहीं अपने इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो अपने लिखेंगे 90 को, 90 कैसे लिखेंगे 100 माइनस 10 क्या होगा 90 प्लस 1। अब 100 माइनस 10 कैसे लिखते हैं, 100 के लिए क्या होता है c, अब माइनस करते हैं तो किस आ जाएगा लेफ्ट हैंड में, तो 10 वाला सिंबल इसके क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और क्या बस गया 1 1 मार देगा वो, ये क्या बन गया 91। क्लियर, नॉलेज अगर आपको 7 सिंबल का नॉलेज नहीं है तो आप रोमन नंबर में राइट करना डिफिकल्ट रहेगा, अगर एक बार आप इनको ध्यान से रीड कर गए तो पूरी लाइफ के अंदर आप रोमन नंबर नहीं भूलोगे। क्लियर, इसी तरह आपके बहुत से एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं इनको आपने राइट करना है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने इसके, देखो जे पार्ट है इसका 356, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 300 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 1,
क्योंकि 100 वाला राइट कर सकते हैं, 500 वाला राइट कर सकते हैं, 50 वाला राइट कर सकते हैं, 5 वाला, 1 वाला। अब इसको मैं 300 को कैसे लिखूंगा, सी 3 टाइम रिपीट हो गया, मींस 100 100 100 कितने हो गए 300। 50 के लिए क्या सिंपल होता है, एल, 5 के लिए वी, 1 के लिए आई। अब इनको इकट्ठा कर दो, सी एल वी आई, ये क्या बन जाएगा आपके पास 356। क्लियर। अब जहां पे अगर मान लो 400 होता, ऐसा कोई एग्जांपल होगा 400 वाला, के एंड एल पढ़ा है, उसमें क्या है एल लिखते हैं अपने, एल में क्या है 468। अब इसको मैं कैसे राइट करूंगा, 400 प्लस 68 को किसमें डिवाइड कर लूंगा, 50 प्लस 10 प्लस 8। क्लियर। डिवाइड कर लिया 460 को, डिवाइड कर लिया 50 प्लस 10 एंड 8 प्लस 8 की जगह 8 आ गया। अब 400 को मैं छोड़ दूंगा, सी 4 टाइम नहीं राइट कर सकता, क्योंकि कंडीशन है ओनली जो सिंबल है वो कितने टाइम रिपीट होते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट होंगे, 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं कर सकते, तो अपने सी को 4 टाइम राइट नहीं करेंगे। तो इसको अपने क्या लिखेंगे, 400 को 500 माइनस 100, 500 में से 100 जाएगा, क्या बच जाएगा 400। अब 500 का सिंपल क्या हो गया, डी सबट्रैक्ट करना, कौन से साइड में लिखेंगे, लेफ्ट में, क्या लिखना है 100 का सिंपल, 100 का सिंपल क्या होता है सी, तो सी डी क्या बन गया 400 प्लस 50, 50 का सिंबल क्या होता है एल प्लस 10, 10 का सिंबल क्या हो गया एक्स प्लस 8, 8 को क्या लिख लिया आपने 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, मींस 5 1 1 1। क्लियर। ये बन जाएगा आपके पास नंबर 468। कैसे राइट होगा रूमन में, सी डी एल एक्स वी आई आई आई, सी डी से क्या बन गया 400, ऐसे क्या बन गया 50, एक्स से क्या बन गया 60, 50 से 10 क्या हो गया 68। क्लियर। इस तरह आपने इन नंबर को क्या करोगे, राइट करोगे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आपके नंबर्स में गिवन है, रोमन नंबर में आपने राइट करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, रोमन नंबर में राइट है उसको अपने किसमें करना है, नंबर्स में राइट करने हैं। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल, अब हिंदू नंबर में आपने क्या करना है, इसको राइट करोगे। जैसे ए पार्ट है इसका एक्स एल, अब देखो एक्स एल, एक्स मीन्स क्या होता है 10, एल का मीन्स क्या होता है 50। अपने सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी क्या थी, x कैन बी सबट्रैक्टेड ओनली l एंड c, जो x होता है वो l एंड c में से सबट्रैक्ट होता है, तो l में से इसके लेफ्ट हैंड में है, तो क्या इसका मींस क्या होगा, और l बड़ा है x छोटा है, और इसके सेकंड प्रॉपर्टी आ गई भाई इसके लेफ्ट हैंड में भी राइट है, तो l में से x क्या होगा सबट्रैक्ट, x की वैल्यू क्या होती है 10, l की वैल्यू क्या होती है 50, 50 में से 10 गए 40, तो x l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 40 आ जाएगी। क्लियर। b है l, l का मींस ऑलरेडी क्या होता है 50, फिर आ गया l x b, अब x क्या है इसके आगे राइट हैंड में, राइट हैंड में होता तो क्या होता है l होता है, l की वैल्यू 50, x की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, 50 और 10 क्या हो गए 60 और 5 क्या हो गए 65, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 65। क्लियर। बहुत ही इजी है, जब अगर आपको एक बार सिंबल्स का पता चल गया कौन सा सिंबल किसके लिए है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। आई पार्ट है इसका, सेकंड का आई पार्ट, एक्स 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 वी, अब एक्स कितने टाइम रिपीट है 3 टाइम, मींस जो रिपीट होता है वो क्या होते हैं एल
एक्स की वैल्यू 10 10 10, वी की वैल्यू 5, क्या हो गए 10 और 10 20 20 और 10 30 30 और 5 35। इस एक्स एक्स वी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 35 आ जाएगी। क्लियर? मींस जो लेफ्ट राइट हैंड पे चलोगे तो ऐड होते जाते हैं, लेफ्ट हैंड पे चलते तो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। कब? जब लास्ट नंबर के राइट में है तो स्मॉलर नंबर ऐड, लेफ्ट में है तो सबट्रैक्ट। क्लियर? और पे लेते हैं अपने एग्जांपल के। के पे आपके पास एल एक्स वी आई आई। एल का मीन्स क्या हो गया 15, एक्स का मीन्स क्या हो गया 10, वी का 5, आई का 1, आई का 1। अब इनको ऐड कर दो 50 और 10 60 60 और 5 65 166 और 167, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 67। देखो कितना इजी हो रहा है ना। क्या था एल एक्स वी आई आई, एल की वैल्यू क्या होगी 50, एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, बी की वैल्यू क्या होगी 5, आई का मीन्स क्या होता है 1, आई का मीन्स 1। अब सारे क्या है, सबसे बड़ा कौन था एल, एल के सारे क्या आ गए राइट हैंड में आ गए, राइट हैंड में आ गए तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, 5 में 10 ऐड किया 60, 60 में 5 ऐड किया 65 और 1 ऐड किया 66, फिर 1 ऐड किया 67, इसकी वैल्यू आ जाएगी 67।